दोस्तों 13 लाख का बजट में एक घर देख रहे हो, वो भी रेडी टू मूव में, और ऐसे वाले बिल्डिंग अगर आपको मिल जाए तो क्या ही बात होगा। और स्टेशन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 5 मिनट का डिस्टेंस में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में शानदार सा एक 1 BHK फ्लैट दिखाऊंगा जो कि एफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग को दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा बिल्डिंग जो कि है G+3 का, शानदार सा बिल्डिंग है दोस्तों, अच्छा वर्क है और एफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्टेशन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कितना डिस्टेंस है, कौन सा सिटी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को देख लेना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपका मन में ना रहे। एक बार फिर से मैं चाहूँगा आपको बिल्डिंग को दिखाने के लिए। ये आपका बिल्डिंग रहेगा बिल्कुल रेडी पजेशन, जब चाहो तब आप पजेशन ले सकते हो। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में दोस्तों। बिल्डिंग का काम बहुत ही अच्छा है, ब्रिकवर्क जो हुआ है वो है लाल ईंट का बांधकाम हुआ है, तो काम बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। आप जब विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पार्किंग का एरिया दिखा देता हूँ। ये आपका पार्किंग का एरिया रहेगा, देख लीजिए। 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों पार्किंग अवेलेबल है, ए विंग और बी विंग है, दोनों में ही आप जा सकते हो। ए विंग में भी हमारे पास अवेलेबल है, बी विंग में भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं फिलहाल हूँ बी विंग में, ए विंग का उस तरफ है और बी विंग इस तरफ है, और रोड टच प्रॉपर्टी है, स्टेशन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और प्रॉपर्टी बिल्कुल लीगली प्रॉपर्टी है, तो आपको फ्यूचर में भी जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं आपको पार्किंग का और भी दिखा देता हूँ, इस तरफ देख लीजिए। ये पूरा एरिया आपका पार्किंग हो गया, एक वॉशरूम आपको नीचे दिए गए हैं इस तरफ, और इस तरफ से हम जाएंगे स्टेयरकेस की तरफ, आ जाइए। इस तरफ है आपका स्टेयरकेस। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट के अंदर, जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही शानदार फ्लैट है, रेडी पजेशन फ्लैट है दोस्तों। इस प्राइस में आपको दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा जिस प्राइस में मैं आपको लेके आया हूँ, शानदार सा 1 BHK। सबसे पहले आपको मिल जाएगा 1 BHK का लिविंग जो कि बहुत ही बिग साइज का है दोस्तों। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बिल्टअप एरिया बता देता हूँ। इसका जो बिल्टअप एरिया है ना दोस्तों, 595 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है। अभी मैं आपको रफली एक गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। लिविंग का साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ऐसे 16 फीट आपका लंबाई में हो गया, 16 फीट आपको लंबाई में मिल जाएगा। ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट है, 9 फीट आपको मिल जाएगा। 16x9 का यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपका लिविंग, अगेन बिल्टअप एरिया है इसका 595 स्क्वायर फीट का। डोर का जैसे आप आगे आएंगे वैसे आपको यहाँ पर एक पावर पॉइंट मिल जाएगा, लाइट और फैन के लिए सारे पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टीवी के लिए जो आपको पावर पॉइंट दिए गए हैं वो है आपका इस वाले वॉल पे, जैसे आप एंट्री करेंगे राइट वाले वॉल पे आपका टीवी के लिए आपको दिए गए हैं पावर पॉइंट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बालकनी को, जो कि बहुत ही शानदार बालकनी है दोस्तों। A to Z इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने प्राइस पे आपको मिलेगा, कितना डाउन पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका बालकनी हो गया, देख लीजिए, ये आपका ओपन टेरेस। ऐसे इस प्राइस में, जिस प्राइस में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्राइस में दूसरे जगह पर आपको इतने बड़ा बालकनी नहीं मिलेगा जिस प्राइस में मैं आप सभी के लिए लेके आया दोस्तों। साइज़ की बात करूँ तो अप्रोक्स ये 4 फीट हो गया, 6 फीट हो गया, 6.5 फीट ऐसे में आपको मिलेगा। लंबाई में आपका बालकनी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट है, 9 फीट आपको मिलेगा। ऐसे में आपको 9 फीट मिल जाएगा, ऐसे में आपको 6.5 फीट आपको मिल जाएगा। बाहर का व्यू आप देख लीजिए, ग्रिल आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का रहेगा आपका बाहर का व्यू, बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है दोस्तों। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। इस वाले बिल्डिंग के नीचे भी आपको किराने का दुकान है, तो ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। स्टेशन आपका 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए, ये आपका बालकनी में एक पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। एक बार आप यहाँ से देख लीजिए लिविंग को, शानदार सा आपका लिविंग है दोस्तों, लिविंग आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट और बाथरूम को। ये आपका मिडिल वाला पैसेज हो गया, देख लीजिए, ये आपका मिडिल वाला पैसेज, लंबा सा आपको पैसेज मिल जाएगा, 10 फीट का आसपास लंबा रहेगा, और ऐसे में 3 फीट का आसपास आपका पैसेज रहेगा। ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर आपको 500 लीटर का आप इजीली टैंक रख सकते हो। टैंक रख के भी आपको बहुत सारे स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सामान है तो आप ऊपर भी रख सकते हो। कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर पे एक आपको पावर पॉइंट भी दिए गए जो कि आपका इन्वर्टर के लिए रहेगा दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट को। टॉयलेट आप देख लीजिए, 4 फीट ऐसे लंबाई रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा, 3 फीट मिल जाएगा आपको इंडियन वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा, इस तरफ आपका विंडो रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बाथरूम को, इस तरफ है दोस्तों आपका बाथरूम, ये रहा।
ये आपका हो गया बाथरूम। बाथरूम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, बाथरूम भी आपका बिग साइज का रहेगा। लंबाई में ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 फीट ऐसा लंबाई है, ऐसे में आपको मिल जाएगा 4 फीट। वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। जो किया है हमने बहुत ही अच्छा फिटिंग किया है दोस्तों, कंपनी फिटेड है तो आपको निराश नहीं करेगा फिटिंग में भी। इस तरफ है आपका बेडरूम, बेडरूम को आप देख लीजिए, बिग साइज का आपको बेडरूम मिल रहा है, एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है दोस्तों, रेडी बजेशन पे आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो मिस मत कीजिए ऐसे वाले प्रॉपर्टी, दिए गए नंबर पे कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना। साइज की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, 5 यानी कि ऐसे में आपको 10 फीट ऐसे में मिल जाएगा, ऐसे में मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10x10 का यहाँ पर हो गया आपका बेडरूम। अगर आप बेड लगाते हो कॉर्नर पे तो भी आपको वॉर्डरोब के लिए स्पेस रह जाएगा। एक मैं आपको बता रहा, बाकी अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फ्रेंच विंडो प्लस आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाएगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपका बालकनी रहेगा। फ्लैट पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, जैसे आपको पोजीशन देना रहेगा पूरी तरीके से क्लीनिंग करके कलर करके आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। बालकनी का साइज 3 फीट है, लंबाई में अप्रोक्स ये 10 फीट का आसपास रहेगा, 10 फीट, 1, 2, 3, 4, 4 यानी कि 8, 9 फीट रहेगा, 9 फीट ऐसे में आपको मिल जाएगा 3 फीट। बाहर का व्यू एक बार आप देख लीजिए, ये आपका बाहर का व्यू रहेगा। 1RK, 1BHK, 2BHK तीनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर। रोड टच प्रॉपर्टी, हाईवे टच प्रॉपर्टी है, स्टेशन आप 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किचन को, इस तरफ है दोस्तों आपका किचन, ये रहा, ये आपका किचन हो गया, लंबा सा आपको मिल जाएगा किचन। लंबाई की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 8 फीट ऐसे लंबाई में मिलेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 5, 5.5 फीट के आसपास रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 8 फीट, ऐसे में आपको 5.5 फीट मिलेगा। ये आपका शानदार सा प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों, ये आपका प्लेटफॉर्म है। पानी की बात करें तो ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी प्लस आपका बोरिंग का कनेक्शन रहेगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शानदार सा टाइल्स रहेगा आपका किचन में। ऊपर आपको दिए गए हैं कोटमाला, कुछ एक्स्ट्रा सामान आपको रखना है तो आप ऊपर भी रख सकते हो। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपका मिक्सर के लिए रहेगा। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपका फ्रिज के लिए रहेगा। एक और पावर पॉइंट है इस तरफ जो कि आपका रहेगा लाइट और फैन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका लोकेशन, बता देता हूँ प्राइस, कितने प्राइस पे आपको मिलेगा ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों इस वाले वीडियो को। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक 1RK का प्राइस बताना चाहूँगा। 1RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा, जो कि नेगोशियेबल प्राइस रहेगा। एरिया रहेगा 435 स्क्वायर फीट का। 1BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 595 स्क्वायर फीट का रहेगा, आपको मिल जाएगा 16,50,000 में आपको मिल जाएगा विथ रजिस्ट्रेशन, जो कि प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशियेबल रहेगा क्योंकि रेडी पोजिशन बिल्डिंग है, बिल्डिंग का उसी भी रिसीव है। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी का लोकेशन, ये प्रॉपर्टी है शेलू में, शेलू रेलवे स्टेशन से मात्र 5 to 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। अगर आप 1.5-2 लाख रुपया डाउन पेमेंट देते हो आज के तारीख पे, तो आपको EMI ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, 13,000 के आसपास आपको EMI देना पड़ेगा, 13 से 14,000, इससे ज़्यादा आपको EMI भी पे नहीं करना पड़ेगा। 20 साल के लिए आप इजीली लोन ले सकते हो, फाइनेंस हो जाएगा, बैंक लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विजिट के लिए आप लोग प्लानिंग जरूर कर लेना। आप काफ़ी सारे लोगों को शेलू के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है, शेलू है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 1.5 घंटे का डिस्टेंस में आता है ये शेलू सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।